फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर ए के सिंह। और जो हम सीरीज देख रहे हैं, यानी कि जो हम तैयारी कर रहे हैं KVS DSSSB UP सुपर टेट और NVS और टीचिंग एग्ज़ाम सारे, उसमें हम आजकल देख रहे हैं, यानी कि अब जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, कंप्यूटर की जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, यानी कि कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट सिलेबस में हमारे पूछे जाते हैं चीज़ें, जैसे हमने पहले देखे एब्रीवेशन देखी सारी, A to Z एब्रीवेशन देखी। नेक्स्ट वीडियो हमने देखा क्या देखा, नेक्स्ट वीडियो में हमने उससे संबंधित चीज़ें, यानी कि KB MB बिट बाइट, सबसे छोटी यूनिट मेमोरी कौन सी होती है, बड़ी यूनिट कौन सी होती है, ये सब चीज़ें देखी। आज हम देखेंगे जो कंप्यूटर की जनरेशन है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर की जनरेशन से आपको एक से दो क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बच्चों को पता नहीं होता कितनी जनरेशन है, कौन सी जनरेशन में क्या क्या चीज़ यूज़ हुआ, कब आई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन इतने ही टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सीधे सीधे उदय हम माने तो अभ्यासक्रम से मानते हैं, क्योंकि वो एक तरह का कंप्यूटर माना गया है। सबसे पहला कंप्यूटर कौन है, अभ्यासक्रम, पर उसे डिजिटल फॉर्म में नहीं माना जाता, तो यहाँ से हम लेके चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि अभ्यासक्रम क्या है, तो अभ्यासक्रम इज़ अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी कि अभ्यासक्रम देखा होगा आपने जब मैथ्स की किताबों में ऐसे ऐसे तार से लगे होते हैं और उनमें इस तरह की गोली पड़ी जाती है और उन्हें बच्चों के काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो अभ्यासक्रम इज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर माना जाता था प्राचीन समय में या फिर पुराने समय में, जब इन कंप्यूटर यानी कि डिजिटल कंप्यूटर, इस तरह के कंप्यूटर जो आज के समय में यूज़ हो रहे हैं, तो हम उस, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, पर अभ्यासक्रम के बारे में पूछा नहीं जाता, आप इस चीज़ का निश्चित होकर इग्नोर कर सकते हैं। तो हम जो देखेंगे उसे देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला आता है फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें आपसे पूछा जाएगा कब आई, ये आई 1940 से लेकर, यानी कि 1940 से लेकर 1956, और इसमें सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ किसका होता था, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैसे थे, वैक्यूम ट्यूब्स, ये पूछा जाता है, इसको नोट कर ले आप, छोटा सा मिनी नोट्स बनाए, यानी कि इसके आगे लिखे फर्स्ट जनरेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लिख के फर्स्ट जनरेशन और वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पे और जो चीज़ें हैं वो एडिशनल, अगर आपसे क्या नाम कभी खुदा ना खास्ता अगर आपका पेपर टफ लेवल का बनने लगे, टीचिंग एग्जाम में कभी भी टफ लेवल का कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते, तो इसलिए अगर बनने भी लगे तो हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। दिस इज़ अ फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सिलेंड्रिकल एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेन मेमोरी एंड दे वेयर ऑफ्टन, मतलब एक तरह से जो मैग्नेटिक ड्रम और सर्किट वैक्यूम ट्यूब का रोल था, और ये पहले जो के जो कंप्यूटर होते थे बहुत एक एक रूम जितने बड़े होते थे, एंटायर रूम यानी कि टॉप इतना बड़ा होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऑन मशीन लैंग्वेज, लो लेवल ऑफ प्रोग्राम लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटरिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ, मतलब एक तरह से ये वन प्रॉब्लम को एक, मतलब एक प्रॉब्लम को एक टाइम पर ही सॉल्व करता था। आज के कंप्यूटर में या फिर आज के मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर है, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर कंप्यूटर में वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी एक तरह का छोटा कंप्यूटर मान लीजिए। आज के समय में हम एक साथ ही दो दो स्क्रीन देखते हैं या फिर स्प्लिट करके आप दो दो एक साथ चीज़ें चला सकते हैं।
मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। तो पहले के समय ऐसा नहीं होता था, एक टाइम पर एक ही चीजें यूज होती थी। तो आप इसमें क्या लिखेंगे शॉर्ट नोट्स में, फर्स्ट जनरेशन को कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब और इसका ये लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे कि ये सब चीजें छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक टाइम पर एक ही प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। ठीक है, ये सब चीजें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब आते हैं हम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है, ट्रांजिस्टर, ये होते कंप्यूटर कौन से होते थे, ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आएगा ट्रांजिस्टर 1956 से लेकर 1963। ठीक है, इसने किसको रिप्लेस किया था, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर आए थे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं लिखना है, सेकंड जनरेशन लिखना है, ट्रांजिस्टर और ईयर लिखना है। इस चीज में इतना लंबा चौड़ी चीजें नहीं लिखनी है, ये हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम नोट्स के रूप में हम छोटे छोटे नोट्स बनाते चल जाएंगे और हम आपको जानकारी देते चल जाएंगे जो सिलेबस में आता जा रहा है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अब आ गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। इस टाइम का जो दौर था, या फिर 1964 से लेकर 1971 तक का जो दौर था, इस टाइम इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थे। यानी कि आपने देखा होगा, जो जब आप पुराने टीवी को पीछे से खुल जाता था, या फिर कहीं भी आप कोई भी बोर्ड या किसी चीज़ को, इंटीग्रेटेड सर्किट टाइप की चीज़ें जो एक साथ जुड़ी जो होती थी, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया था, और इसका जो रूप हो गया था छोटे होते चले गए थे। यानी कि पहला जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो एक कमरे जितना था, फिर उसे छोटा किया छोटा किया छोटा किया छोटा किया, आज के जनरेशन में आपके हथेली में कंप्यूटर है, यानी कि आपका मोबाइल, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ये सब एक तरह के कंप्यूटर के ही रूप हैं। तो हम देखेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है इंटीग्रेटेड सर्किट 1964 टू 1971। द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर वर मेंट, यानी कि एक तरह से चर वाली बात थी, तो उसको रिप्लेस किसने कर लिया था, सिलिकन चिप, माइक्रो सेमीकंडक्टर, इस तरह की चीज़ें जो आ गई थी। और दूसरा, इस टाइम पे जो थर्ड जनरेशन आ गई थी, यहाँ पर इंक्रीज द स्पीड ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो ये दौर था उसमें स्पीड बढ़ती जा रहा है। स्पीड में कि नॉर्मल चीज़ें हमारे टीचिंग एग्जाम में नहीं पूछी जाती, अगर पूछी जाएगी तो ये चीज़ें पूछी जाएगी थी कि सिलिकॉन चिप आ गई थी, सेमीकंडक्टर आ गए थे, और इंटीग्रेटेड ये सर्किट वाला आपसे पूछा जाएगा, थर्ड जनरेशन ऑफ जनरेशन पूछा जाएगी, या फिर मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग आ जाए, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज़ होता, तो आपको सीधे सीधे लिख देना इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 से लेकर टू द प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट का जो आज का सिनेरियो है, जहाँ पर हम किसे यूज करते हैं, सीपीयू, सीपीयू प्रोसेसर, और जो हमारे प्रोसेसर होते हैं उसे यूज़ करते हैं। तो यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड सिंगल चिप, यानी कि एक आपने एक छोटा सा देखा होगा जो मदरबोर्ड में लगता है, वो होती है प्रोसेसर, जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं, और प्रोसेसर के द्वारा ही अब आजकल के कंप्यूटर चलते हैं, जिसे माइक्रो प्रोसेसर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो और आपने देखा होगा एएमडी, आपने एएमडी के कंप्यूटर देखा होगा, इंटेल के कंप्यूटर देखा होगा, आपका जो कंप्यूटर है वो किस चीज़ का है, इंटेल है, एएमडी का है, अगर आपका फ़ोन है तो वो किसका है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा, या फिर इसका हीलियो का होगा, इस तरह के जो अलग अलग कंपनी का, बहुत सारे, सबसे ज़्यादा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर
अच्छा माना जाता है। फिर अगर इस इधर आईफोन की तरफ चले तो आईफोन का इस अलग प्रोसेसर होता है। तो इस तरह से प्रोसेसर की बात हुई है इसमें। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आता है माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट को एक बंच करके, यानी कि एक ये जो सीपीयू है यानी कि प्रोसेसर है, इसमें इतनी इतनी छोटी 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 छोटे छोटे थाउजेंड्स इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी थाउजेंड इंटीग्रेटेड सर्किट को एक बंच बनाकर सिंगल सिलिकॉन चिप बना दी, यानी कि सिंगल सिलिकॉन चिप बना दी। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडर्न जमाने में हमने सिंगल चिप बनाई। यानी कि अगर हम इस दौर से लेके चलें तो यहाँ पर हमारे लिए सिलिकॉन चिप थी और आज के समय में उसे सिंगल चिप हो गई। एक सिलिकॉन चिप और सिंगल चिप, यानी सीधी सीधी बात ये है, इस टाइम आते आते प्रोसेसर का निर्माण हो चुका था। तो माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है? माइक्रो प्रोसेसर्स। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देखिए फोर्थ और फिफ्थ, प्रेजेंट एंड बिहाइंड का सीन ये है। आज का जो, यानी कि आज हम 2022 में हैं और 22 से लेकर आगे की जितने भी चीज़ें होंगी वो प्रेजेंट एंड बिहाइंड, एक तरह से आने वाला समय और प्रेजेंट की जो जितनी बात है उसमें एआई का यूज़ होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा आजकल के जो कैमरे आ रहे हैं, सीधे सीधे सिंपल वे में लेके चलेंगे, आजकल के जो फ़ोन है, फ़ोन आप कोई सा भी ले लीजिए, आप देखते होंगे एआई कैमरा, एआई कैमरे की बात होती रहती है। तो एआई कैमरा क्या है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूज़ होती है उसमें, कि यानी कि अगर आप किसी ऐसी जगह है जहाँ पर आपका फेस डल आ रहा है तो वो एआई यूज़ मोड से आपका वो फेस सही कर देगा, आपके बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा। ए उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके बिहेवियर और उस चीज़ को नोटिस करके सही चले। देखिए फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इज स्टिल इन डेवलपमेंट, यानी कि इस समय के जो कंप्यूटर हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। आपने देखा होगा कि हम कहते हैं ओके गूगल, इस तरह से हम उस पर चीज़ें करते हैं, या फिर आईफोन में ओके सीरी की बात क्या है, हे सीरी, इस तरह से बात करते हैं हम। वो यही सब चीज़ें, अगर आपने आयरन मैन की पिक्चर देखी होगी तो आयरन मैन की पिक्चर में जब आयरन मैन उसे चाल ओके चालवेस कहता है तो वो अपने आप ही उस तरह की चीज़ें जो वो है, वो सब चीज़ें हैं जो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो ये इसमें यूज प्रोसेसर का ही होता है, पर एक तरह से डिजिटली सब कुछ हमारे अराउंड हो गया है। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं हम। तो ये हेल्पफुल, इस कंपोनेंट पोर्टेबल डिवाइस आ गई, यानी कि सब चीज़ें हमारे एक तरह से छोटे रूप में आ गई है, बिहाइंड द सीन आ गई है। अब हमें बड़े बड़े स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, एक छोटे से मेमोरी कार्ड 1 1 TB, यानी कि अगर आप देखेंगे 1 TB कितना होता है, 1 TB में आपकी बहुत सारी मूवी आ जाएंगी। अगर 1 GB की या 2 GB की अगर आप एक पिक्चर भी लेके चले, यानी कि अगर हम मिनिमम लेके चलें 1 GB की, अच्छी पिक्चर क्वालिटी की होती है, 1 GB की अगर पिक्चर लेके चलें तो 1000 के समथिंग आ जाएगी, यानी कि वैसे 1024 होता है, तो 1024 पिक्चर आ जाएंगी। तो 1024 अगर हम एक दिन में एक पिक्चर ही देखें तो 1024 दिन लगेंगे। तो 1 TB की मेमोरी का बहुत रोल होता है। तो आजकल का जो सिनेरियो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। तो अब आपने देख लिया, दोबारा देख लीजिए, इसमें सबसे पहला था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब आया, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर आया, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट आया, फिर आया माइक्रो प्रोसेसर, फिर आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक ये सब चीज़ें, माइक्रो प्रोसेसर, इंटी थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इज बिल्ट इन सिंगल सिलिकॉन चिप। अगर सिंगल सिलिकॉन चिप की बात, तो थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट बिल्ट इन सिंगल सिलिकॉन चिप इस टाइम आ गया था।
और इसी का जो एडवांस यानी प्रेजेंट सिनेरियो है, यानी प्रेजेंट का जो रूप है वो है सीपीयू, यानी कि सीपीयू हमारा सिंगल चिप, जिसे हम सिंगल चिप कहेंगे। और सीपीयू में आपको बता दिया मैंने एएमडी और इंटेल, इन दो का नाम सबसे ऊपर है, ठीक है। तो और फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता दिया आपने कि जो जैसे गूगल है, गूगल का हमारा है सीरी, है सीरी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें, जैसे एलेक्सा है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है। और आपके फ़ोन का कैमरे में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिससे वॉइस से आप कमांड दे सकते हैं, आपके फेस से एक्सप्रेशन से, या फेस के द्वारा आपके जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं उससे देखकर आपके सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है बच्चों, हमें जनरेशन में हमें इतना ही देखना था, हमें जनरेशन के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। यहाँ से भी आपको एक से दो क्वेश्चन मिल जाता है। केवी में ज़्यादातर ये पूछा जाता है, आपको मैजर फॉलोइंग आ जाता है केवी में, कि फर्स्ट जनरेशन कौन सी है, सेकंड जनरेशन कौन सी है, थर्ड जनरेशन कौन सी है। फिर अगर हम यूपी एग्ज़ाम चले, यूपी के यानी यूपी सुपर टेट इस तरह के, तो उसमें ये पूछ लिया जाता है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। अगर DSSS इधर की तरफ लेके चले तो इस तरह की तरफ भी यही पूछा जाता है, क्योंकि ये एक तरह से वन लाइनर एग्ज़ाम है। DSSS भी के और यूपी का सुपर टेट वन लाइनर है। KVS NVS ये आपको थोड़े से लंबे क्वेश्चन, यानी कि उनके आंसर लंबे मिलेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये हमने आज कंप्यूटर की जनरेशन देख ली। इस तरह से हम कंप्यूटर का सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, और इस तरह से हम एक जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट करके हम एक टीचिंग एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारे एग्ज़ाम जो आने वाले एग्ज़ाम है हमें उसमें सहायता मिले। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लिए और इसके शॉर्ट नोट्स बना के रखें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम का लिंक है उसको, टेलीग्राम के चैनल को लिंक को ज्वाइन कर लें, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, और आपको पढ़ाने में जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस से हटकर नहीं पढ़ा रहे। थैंक यू।